हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन में आप लोग तो से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना वायरस बीमारी एक महामारी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम भारतवासी चाहे तो सब मिलकर इसको हरा सकते हैं। तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है दोस्तों, तो सोचा कि कुछ काम इस समय को अच्छे से यूज कर लिया जाए। तो जो भी अकाउंटिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं या अपनी शुरुआत करना चाहते हैं या कॉमर्स स्टूडेंट है, उन सभी से ये आशा की जाती है कि उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली आना चाहिए। तो आज हम 10 से 12 दिन हमारे पास जो भी हैं उसमें हम टैली का एक कोर्स सीखेंगे, और आप अच्छे से इसको सीखेंगे तो बढ़िया रहेगा, आप परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी दूंगा आप लोगों को, जो आप चाहें तो आप मुझे मेल के ज़रिए चेक करा सकते हैं। टैली को सीखने के लिए आपको अकाउंट्स की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो बेसिक नॉलेज आपके पास है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं है तो मैंने यूट्यूब पर अकाउंट्स की बेसिक की क्लासेज भी डाल रखी हैं, आप उनको देख के नॉलेज ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली। टैली क्या है आप सभी को पता है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी ये कई वर्जनों से चलता आ रहा है। पहले इसका एक वर्जन आया करता था टैली 5.4, जो कि एक डॉस बेस्ड वर्जन था। उसके बाद टैली 7.2 आई, जो काफ़ी लोकप्रिय रही थी। फिर टैली 9 भी आई थी, और आजकल जो प्रेजेंट में चल रहा है इसका वर्जन, जो बहुत लोकप्रिय है और बहुत काम का भी है, टैली ERP 9। तो हम लेटेस्ट वर्जन पे टैली ERP 9 सीखेंगे, और जो ERP 9 सीख जाएगा वो पहले के वर्जनों में आराम से काम कर सकता है, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टैली एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ख़रीदना पड़ता है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। वो जब आप ख़रीद लोगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे तो आपके डेस्कटॉप पे एक ऐसा टैली शॉर्टकट बन जाएगा। उससे आप जैसे बाकी नॉर्मल फोल्डर ओपन करते हैं वैसे ही आप ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको इसको करना होता है, ठीक है, और ये यस कर देंगे। ठीक है, तो टैली में आपको किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, किसी भी इंडस्ट्री की अकाउंटिंग करनी है, तो उसकी अकाउंटिंग आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी कंपनी की अगर आप पहली बार अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो आपको टैली में उस कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा, उस कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही आपने टैली ओपन करी है अभी हमने, और ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट। तो क्रिएट कंपनी का आप क्या कर सकते हैं, कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी पहले से ही किसी अकाउंटेंट से काम करवा रही है और आप नए जाके उसको टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो कंपनी पहले से ही बनी होगी, तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाके उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्रिएट कंपनी करके नई कंपनी बनाएंगे अगर पहली बार उसकी टैली में अकाउंटिंग हो रही है। याद रखना, पहले से उसकी अकाउंटिंग चल रही है तो जाके क्रिएट कंपनी नहीं करनी है, आपको पहले वाली कंपनी में ही आगे कंटिन्यू काम करना है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं हर नाम में एक ना एक अक्षर बोल्ड हो रहा है, जैसे उस पर मैं कर्सर या माउस को लेके जाता हूँ तो वो देखो रेड हो जाता है। वो क्या है, उसकी शॉर्टकट की है। मतलब अगर आप देखो क्रिएट कंपनी पे लेके गए तो सी दबाऊंगा तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन खुल जाएगा, सेलेक्ट कंपनी में एस दबाऊंगा तो कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। बैक आने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं, एस्केप की का हम बैक में यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करनी है, आज हम जो सीख रहे हैं कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं, कंपनी हम क्रिएट करेंगे। देखो सबसे ऊपर है डायरेक्टरी, ऊपर डायरेक्टरी लिखा है। डायरेक्टरी का मतलब है कि ये जो कंपनी आप बनाओगे, इसमें जो काम करोगे उसका डेटा कहाँ सेव होगा। हर कंपनी का एक अलग से डेटा बनता है, वो डेटा किसी ना किसी फोल्डर में सेव होता है। उस डेटा को कॉपी करके आप किसी दूसरे कंप्यूटर में भी टैली में चला सकते हैं। मतलब आपको सपोज करो आपने अकाउंटिंग कर ली, आपका डेटा इधर सेव है एफ ड्राइव में, टैली में, टैली ERP नाम से एक डेटा फोल्डर है, उसके अंदर आपका ये डेटा सेव है। आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, आप जहाँ भी सेव करना चाहते हो वहाँ की डायरेक्टरी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब नेम कंपनी किस नाम से, मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ,
techsprite.com। मेलिंग नेम कि अगर आप किसी को मेल करते हो या कोई आपको मेल करता है तो ऊपर क्या नाम लिखाना चाहिए। मैंने कहा techsprite.com ही जो मैं कंपनी का नाम है वही लिखा है। एड्रेस क्या है, जो भी एड्रेस है वो डाल दो। मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, मानसरोवर जयपुर। एड्रेस बड़ा है तो एक लाइन और ले लो, और बड़ा होता है तो और लाइन और ले लो, तो लाइन अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मानसरोवर और जयपुर। कंट्री मेरी इंडिया है, स्टेट मेरा जो भी है आपका, मैंने मेरा राजस्थान है डाल दिया। पिन कोड डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल देंगे जो भी है, फैक्स नंबर अगर है तो डाल देंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। ईमेल आईडी जो भी है डाल देंगे, वेबसाइट अगर है तो डाल देंगे, हमारी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाके और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, www.techsprite.com। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर हम हर किसी को पता है 1/4 अप्रैल से ही चालू होता है, तो हमने कहा कि हम अभी से 1/4/2020 से हमारा फाइनेंशियल चालू है। बुक्स बिगनिंग हो, बुक्स आप कब से रखना चाह रहे हो सकता है आप 1 अप्रैल से रखो। जनरली ये होता है कि जिस फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ही हम बुक्स रखना चालू करते हैं, लेकिन हो सकता है कि नहीं हम तो भैया 1 जुलाई से चालू करेंगे अभी हमारा, क्योंकि काम नहीं चल रहा तो 1 जुलाई डाल दो। लेकिन मेरे केस में मैं मान लेता हूँ कि मैं 1/4/2020 से ही अपनी बुक्स रख रहा हूँ। सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि आपकी टैली आपके अलावा और कोई ना ओपन करे तो आप पासवर्ड डाल दो, रिपीट कर दो पासवर्ड जो भी डाला है। देखो वार्निंग आ रही है कि अगर आप टैली वॉल्ट पासवर्ड भूल गए तो आपका डेटा चला जाएगा, इसलिए जो भी पासवर्ड डालो याद रखना। यूर सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब आप हाई सिक्योरिटी रखना चाहते हो, कंपनी का नाम भी किसी को ना दिखे ऐसी सिक्योरिटी रखना चाहते हो, रखो भैया। पर मैं ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहता हूँ, आप चाहते हो तो रख लेना। ठीक है, मैं इसको नो कर देता हूँ। बेस करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम INR है। आप चाहते हो कि अमाउंट के आगे लगे, अगर चाहते हो तो यस कर दो और नहीं चाहते तो नो कर दो। ऐड स्पेस, आप चाहते हो अमाउंट और सिंबल के बीच में, जैसे ₹10,000 रुपीज़ और वन, जो 10,001 है उसके बीच में स्पेस चाहते हो, चाहते हो तो यस नहीं तो नो। आप चाहते हो 100 अमाउंट इन मिलियंस हो, जैसे 1 लाख को 10 लाख को 10 दिखाया जाए या पूरा 10 लैक्स दिखाया जाए। मैं चाहता हूँ कि पूरा दिखाए, अमाउंट इन फुल हो, तो मैंने नो कर दिया। और आप चाहते हो कि 10 लाख को सिर्फ 10 लिखा है तो वो यस कर दो। तो ये बड़े बिजनेस है इसमें होता है जहाँ लाखों में कारोबार होता है, तो इसको जनरली हम नो ही रह देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब आप जो वैल्यू लिखोगे वो पैसे में कहाँ तक जानी चाहिए, 50 पैसे मतलब 2 फिगर तक, मतलब 400 रुपये 50 पैसे, या 3 फिगर तक 400 रुपये 576 पैसे, ऐसा चाहते हो तो हमने कहा 2 डेसिमल तक ही रखते हैं, मतलब 50 पैसे, मतलब 2 डेसिमल, 2 5 आए, 5 0 आए पॉइंट के बाद 2, मतलब जो पॉइंट के बाद होगा वो क्या कहलाएगा, पैसा कहलाएगा या और कुछ भी आप नाम से जाने जाओगे, भैया पैसा ही होता है इंडिया में। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स 2 है, 2 तक वो काउंट करें, तो ये हमारी कंपनी बन गई है। अब आप देखोगे ना एफ टैली टैली ERP डाटा, यहाँ पे जाके ये जो है एफ टैली टैली ERP डाटा, यहाँ पे जाके एक डेटा बन गया होगा। डेटा न्यूमेरिक वर्ड्स में होता है, उसके नंबर से वो डेटा आपको मिलेगा। वो नंबर क्या है वो आपको सेलेक्ट कंपनी में दिख जाएगा। अभी मैं पासवर्ड डालता हूँ नेवी सर, जो भी डाला है अपने पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये मेरी एक कंपनी बन गई है techsprite.com। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अभी तो कोई वाउचर ही एंटर नहीं किया गया है। ठीक है, ये मास्टर डेटा खुल गए। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, वो जो ओपनिंग विंडो होती है जहाँ पे सेलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी आ रहा था, तो वो होती है कॉन्फ़िगरेशन विंडो, उसको क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन विंडो। तो आप शॉर्टकट किए उसकी F12 दबा के वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है,
या F12, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, F12 दबाएंगे तो ठीक है। और सेलेक्ट कंपनी वाली जो विंडो होती है, F1 से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और F3 जो ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो वाली साइट पे आप चल गए, सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाता हूँ तो मेरी ये आ रही है विंडो, मैंने पासवर्ड डाला था इसलिए वो हाइड हो गया नाम उसका, ये 1001, ये इस नाम से डेटा मेरा बना है। मैं अगर उस डायरेक्टरी में जाऊँगा F ड्राइव में गया, उसमें टैली के नाम से मेरा था, टैली ERP 9, टैली, इसमें टैली ERP, उसमें डेटा, तो देखो ये वाली मेरी कंपनी है। अगर मैं इसको कॉपी करके किसी पेन ड्राइव में पेस्ट करके कहीं पे ले जाऊंगा तो वो मेरा वहाँ किसी दूसरी टैली में भी उस डेटा को कॉपी करके मैं वहाँ पे टैली चला सकता हूँ। तो डेटा कहाँ बनता है ये क्लियर है, जहाँ भी आप बनाना चाहो वहाँ बन सकता है ठीक है। सेलेक्ट कंपनी करके सेलेक्ट कर लो ठीक है, एस्केप कर लो, बैक आना है तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, एस्केप जो बटन होता है ठीक है। और याद रखना हमें भागा दौड़ी नहीं करनी है, आराम से सारी चीज़ सीखनी है। मैं जो जो की का यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बताता जाऊँगा। आज आपने क्रिएट कंपनी करा है, आपको क्रिएट कंपनी पे ही ध्यान देना है, किस तरह से क्रिएट आप लोग कंपनी कर सकते हैं ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंपनी बन गई, अब आप चाहते हो कि मैं किसी इंडस्ट्री में, हो सकता है दो अकाउंटिंग चल रही हो, दो कंपनी हो, दो ब्रांचेज हो, उनके अलग अलग अकाउंटिंग करें, तो एक कंपनी और नहीं बना लेंगे ठीक है। अब ये आ गए, अब वहाँ तक कंपनी इन्फो तक जाने की क्या है, Alt F3। देखो यहाँ पे सारी शॉर्टकट की लिखी होती है, आपके राइट हैंड पे सारी शॉर्टकट की लिखी हुई है, F3 कंपनी इन्फो ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, देखो कई जगह जो शॉर्टकट की है उसके नीचे एक लाइन है, कई शॉर्टकट की के नीचे कोई लाइन नहीं है, कई शॉर्टकट की के नीचे डबल लाइन है। तो जहाँ कोई लाइन नहीं है वहाँ सिंपली उस बटन को दबाना है, जैसे डेट के आगे F2 है ठीक है, सिंपल F2 है, तो सिंपल F2 दबाऊंगा तो डेट ओपन हो गई ठीक है। कंपनी इन्फो, इसके F3 के नीचे एक लाइन है, मतलब Alt F3 दबाया, कंपनी इन्फो वाला पेज खुल गया जहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी या क्रिएट कंपनी करते हैं ठीक है। यहाँ पे देखो एक ये है F5, इसके नीचे डबल लाइन है, तो ये Ctrl Alt F5 है ठीक है। ये क्या ऑप्शन है ये बाद में देखेंगे, Ctrl Alt F5 एक बार दबा के बता देता हूँ बस आपको, Ctrl Alt F5 ठीक है। तो वो रिफ्रेश हो गया, क्योंकि ये रिफ्रेश करने का है, वो रिफ्रेश हो गया अपने आप ही है ना, इससे कुछ ओपन नहीं होगा ठीक है। क्योंकि ये रिफ्रेश TDL है, ये एक अलग ही TDL मतलब टैली का एक वर्जन होता है, ये अपडेट्स है ये ठीक है। नेक्स्ट, तो अब मुझे अगर एक और नई कंपनी बनानी है तो Alt F3 या कंपनी इन्फो, यहाँ पे डायरेक्ट माउस से क्लिक कर सकता हूँ या कीबोर्ड से Alt F3 दबा सकता हूँ। कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी है, दो तीन कंपनी है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, कोई नई कंपनी क्रिएट करनी है तो नई हो जाएगी ठीक है। सेट मतलब कोई कंपनी बंद करना, जैसे taxpayer.com खुली हुई है, मुझे इसको टैली में बंद करना है ठीक है, ये बंद हो गई, कोई सी कंपनी नहीं खुली है, नई कंपनी खुलनी है तो सेलेक्ट करूँगा कौन सी कंपनी खुलनी है, ये पासवर्ड डाला हुआ है, वॉल्ट वाला पासवर्ड डाला था अपन ने इसलिए वो नाम हाइड है ठीक है। पासवर्ड नहीं भूलना, पासवर्ड अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है, पासवर्ड मत भूलना ठीक है। अब आप सपोज करो taxpayer.com में कुछ चेंज करना चाहते हो, पासवर्ड हटाना चाहते हो या नाम चेंज करना चाहते हो, एड्रेस चेंज करना चाहते हो, तो कर सकते हो कैसे, वही F3 Alt F3 पे जाएंगे, कंपनी इन्फो पे ठीक है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, जा कहते हैं ना ऑल्ट्रेशन करानी है जींस में पैंट में, तो वहीं से ये ऑल्टर शब्द आया, टैली में कंपनी में कोई चेंज करना है तो ऑल्टर ठीक है, ऑल्टर कर दो भैया, क्या चेंज करना है, जो भी फ़ोन नंबर चेंज करना है फ़ोन नंबर चेंज कर दो फिर। पासवर्ड डालना है, ये TSS फीचर्स का है ना, इसको नो कर देता हूँ।
कुछ चेंज करना है तो कर देंगे, अदरवाइज चलता रहेगा जैसा चल रहा है। पासवर्ड चेंज करना है तो ये चेंज टेलीवॉल्ट, क्या पासवर्ड था, करंट पासवर्ड क्या है, navisha88 1234। दूसरा क्या है, पासवर्ड नहीं रखना, क्या चाहते हो, रखना है नहीं रखना, नहीं रखना, एंटर मार। वो वाली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये वाली विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। देखो ऑल्टर, ओ सॉरी शर्ट कंपनी, इस वाली को बंद करो, सेलेक्ट कंपनी, नीचे वाली को खोलो, काम करो, इस तरह से। जहाँ तक वो पासवर्ड डला हुआ था वहाँ तक का कंपनी अलग है, नई कंपनी अलग बन जाएगी। हाँ डेटा वो आ जाएगा उसमें भी, अगर हमने पहले वाले डेटा में कोई एंट्री कर रखी है तो नई वाली में डेटा वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो आज हमने सिंपल सा कुछ नहीं करा है, आज हमने सिंपल सी एक चीज़ सीखी है कि नई कंपनी कैसे बनाई जाए, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले वाली कंपनी चल रही हुई है तो काम कर लो, नहीं करनी है तो ऑल्ट F3 पे जाओ, क्रिएट कंपनी करो, जैसी कंपनी बनानी है वैसी बनाओ। एस्केप कर करके ही बंद कर देंगे, एस्केप करेंगे क्वाइट, टैली स्टार्ट करना बहुत सरल है, जाने एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस कर देंगे। सेलेक्ट कंपनी, जो भी जिस भी कंपनी में काम करना है, बंद करना है तो एस्केप क्वाइट, यस। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास छोटी सी है, छोटी छोटी क्लास डालता रहूँगा, सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो आप पहले, मैंने यूट्यूब पे बेसिक क्लासेस डाल रखी है अकाउंटिंग की, वो क्लासेस देखें, पढ़ें, सीखें, समझें, लॉकडाउन के समय का अच्छे से उपयोग करें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।